विकास भवन के सभागार में सांसद हरदोई जयप्रकाश व जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जनपद के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सब कुछ ठीक ठाक रहा और बजट की कमी न रहे तो जल्द ही जनपद में सड़कों का जाल बढ़ा हुआ नजर आएगा। इस संबंध में शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बैठक कर रूपरेखा बनाई। बैठक में जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण के प्रस्ताव लिए गए, जिसमें कच्चे मार्ग, नव निर्माण, सड़क चौड़ीकरण व नवीनीकरण के प्रस्ताव शामिल है। सर्वाधिक प्रस्ताव स्वायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू की ओर से दिए गए। विधायक स्वायजपुर के गर्रा नदी पर बने पाली पुल से नदी तक जाने के लिए सीढ़ियां बनवाने का प्रस्ताव रखा गया। विधायक सांडी प्रभास कुमार ने कहरमऊ पुल के निर्माण पर जोर दिया, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। विधायिका संडीला अलका अर्कवंशी ने बंडांडा व महुआंडा के मार्ग का प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर रखा। विधायक बिलग्राम मल्लावा ने बेरिया घाट मार्ग का मुद्दा रखा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही जल्द सुनिश्चित कराएं और लोक निर्माण विभाग को संडीला के गेस्ट हाउस के पुनर्निर्माण करवाने व मल्लावा के गेस्ट उसको जल्द सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 250 से अधिक आबादी वाला कोई भी गांव संपर्क मार्ग से न बचे। सदर तहसील के चंदहा व स्वायजपुर तहसील के उमरिया गांव में चक रोड के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर सदस्य विधानसभा परिषद अशोक अग्रवाल, विधायक बालामऊ रामपाल वर्मा, ब्लॉक प्रमुख अहिहोरी धर्मवीर सिंह पन्ने, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड AK मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज बैठक का क्या उद्देश्य था और क्या निर्णय लिए गए? पीडब्ल्यूडी की एक बड़ी विशेष बैठक जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं कि हमारे जिले की जितनी भी मजरे हैं, जो गांव हैं, उन तक संपर्क मार्ग पहुंचे और उसी संबंध में विशेष बैठक बुलाई गई थी। सभी प्रस्ताव हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने दिए हैं और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी यहाँ से कार्य योजना बन करके स्वीकृत होकर के उन पर काम शुरू हो जाएगा, जिससे गांव-गांव पर हमारी सड़कें पहुँचेंगी और हमारे आम जन को राहत मिलेगी। बैठक में कुछ अधिकारियों की शिकायतें नहीं? ये तो केवल आज सड़कों की बात हुई है। शहर के सड़कों की हालत बहुत खराब है, जैसे नंगेटा रोड, उस पर कुछ नंगेटा रोड की भी बात हुई है और नगर पालिका को निर्देशित भी किया गया है कि जल्द से जल्द उस रोड को 37 करोड़ का प्रस्ताव नए प्रपोजल आपकी तरफ से ही आया है? हाँ, मेरी तरफ से है और लगभग 40 से 50 मजरे हैं सर, क्योंकि 250 से ऊपर की आबादी भी है सर। मेरी जानकारी में तो चंदाहा है सर, जिसका हमने नाबार्ड को भेजा था। अरे उचित बार बार बता रहे हैं चंदा सर, ऐसे ही नहीं मरी ना सुन तो नहीं है। चंदा एक बार बार बात कर रहे हैं, जगह नहीं है वहाँ पे, उसको बाद में देख लेंगे। जो मजरे अभी भी कच्चे हैं या खंजा पड़ा हुआ निकलने दुश्वार है सर, एक सोचा मिल जाए तो उसको।